हमास और इजराइल की जंग बेहद ही भयानक रूप ले चुकी है। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल को हिलाकर रख दिया तो इजराइल ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ऐसा बदला ले रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब इसी बीच फिलिस्तीन ने आरोप लगाया है कि इजराइल गुस्से में पागल हो चुका है। इजराइल ने पहली बार गाजा पट्टी इलाके में व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराया है। फिलिस्तीन का कहना है कि व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराकर इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि व्हाइट फॉस्फोरस बम इतना खतरनाक है कि इसे जहां गिराया जाता है ये वहां मौजूद सभी लोगों को लगभग पिघला ही देता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हाइट फॉस्फोरस बम क्या है और क्या इसे गिराकर इजराइल ने कोई कानून तोड़ा है। व्हाइट फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। फॉस्फोरस मोम जैसा एक केमिकल होता है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। व्हाइट फॉस्फोरस से लहसुन जैसी तेज गंध निकलती है। व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। एक बार आग पकड़ने के बाद इसे बुझाया भी नहीं जा सकता। व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करता है, इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस बम को जहां गिराया जाता है ये वहां की सारी ऑक्सीजन को तेजी से सोख लेता है। ऐसे में लोग इस बम की आग से ही नहीं बल्कि दम घुटने से भी मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक पूरी तरह से खत्म न हो जाए। फॉस्फोरस बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बम अगर कहीं गिर गया तो वहां मौजूद सभी आतंकी कैसे पिघल गए होंगे। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में इस बम का जमकर उपयोग हुआ था। अमेरिकी सेनाओं ने जर्मनी के खिलाफ कई बार व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराए थे। इराक युद्ध में भी अमेरिकी मिलिट्री पर आरोप लगा था कि उसने व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। हाल ही में रूस पर भी आरोप लगे कि उसने यूक्रेन में व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराया। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस बम गिराकर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा है। इस बम के खतरे को देखते हुए साल 1980 में जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फॉस्फोरस बम को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर इस बम का इस्तेमाल करने की आजादी दे दी गई थी।